वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट की थी, दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत का एक पार्ट है, मध्यकालीन भारत मध्यकालीन इतिहास का एक पार्ट है, हम उसे कर रहे हैं। मैंने कल एक ट्रिक बताई थी, इस बार तेरी शाबाशी लेकर रहेंगे। ये ट्रिक है जिससे हम पूरी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज, पूरे वंश को हम याद कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ उसमें, किस किस राजा ने राज किया, क्या क्या उनके महत्वपूर्ण काम थे, उसे उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं। गुलाम वंश को इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है या फिर इलबरी डायनेस्टी भी बोला जाता है। हिंदी में गुलाम वंश का नाम ममलूक वंश के नाम से भी आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन गुलाम वंश की जगह ममलूक वंश आ जाए कि ममलूक वंश की स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गुलाम वंश, ममलूक वंश, इलबरी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, ये सारे गुलाम वंश के ही नाम हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरा काम आपको पढ़ाना नहीं है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। मैं आपके साथ वो बॉन्डिंग बनाना चाहता हूँ कि जहाँ पर हम सब साथ में बैठ के पढ़ रहे हों, हम सब साथ में बैठ के प्रैक्टिस करें, क्योंकि पढ़ाते सब है लेकिन हमें एक दूसरे से सीखना है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कुछ बेहतरीन चीज़ें शायद आप मुझे बता दें, क्योंकि कभी भी एजुकेशन एक चीज़ है, कभी भी हम बेस्ट नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है, कभी कभी कोई छोटी छोटी चीज़ें मैं मिस कर जाता हूं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताते हैं। तो वही बात है, जब मैं कुछ पूछता हूं आपसे उसका जवाब जरूर दिया करें, और जो क्वेश्चंस पूछता हूं उन्हें कमेंट में जरूर बताएं, और लास्ट में ये जरूर बताइएगा जो जैसे मैं आपको बता रहा हूं ये चीज़ें आपको समझ आ रही है या समझ नहीं आ रही है। ठीक, दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बताते हैं, क्योंकि मैं कल से वीडियो बना रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप एक कॉपी और पेन अपने साथ जरूर लिखिएगा, लिखते रहिएगा, और आपको नोट्स इसी तरह बनाने हैं, क्योंकि जब आपके पास एग्जाम आने वाला होगा और 10-15 दिन होंगे तो आप पूरा डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे, आपके पास छोटी छोटी चीजें होंगी तो आप फटाफट उन्हें एक बार देखेंगे तो आपको सब याद आता चला जाएगा। तो इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश से। गुलाम वंश की स्थापना हुई 1206 में। 1206 में मोहम्मद गोरी का जो एक गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ने गुलाम वंश ममलूक वंश की स्थापना की। स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन जो रखी वो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ये गोरी का एक गुलाम था। इसने कैपिटल अभी तक जो इसकी राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब राज करना स्टार्ट किया तो इसने अपनी राजधानी लाहौर रखी। अभी तक जो कैपिटल थी वो दिल्ली नहीं थी, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर जो राजधानी थी गुलाम वंश की वो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम स्टार्ट किया, मतलब जो कुतुब मीनार बनाने का जो काम था वो किसने स्टार्ट किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुब मीनार पूरा इसे पूर्ण कराया, इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया। जो कुतुब मीनार बनकर पूरी कंप्लीट हुई वो इल्तुतमिश के टाइम में हुई। स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो इसका काम पूरा हुआ वो हुआ इल्तुतमिश के टाइम पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि इल्तुतमिश कभी कभी लिखा आता है अल्तमस के नाम से, क्योंकि इल्तुतमिश का दूसरा नाम अल्तमस के नाम से भी जाना जाता है, अल्तमस या शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो हमें याद रखना है इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश या फिर अल्तमस, इस प्रकार से भी क्वेश्चन में आ सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्वात उल इस्लाम मस्जिद बनवाई दिल्ली में, और जो उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। तो ये सारी चीजें थी, कुतुब मीनार का जो उसने निर्माण रखी, नींव रखी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। क्वातुल इस्लाम जो दिल्ली में है मस्जिद, उसका उसे कंप्लीट कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा दान देता था। गिवर ऑफ लैक्स, इंग्लिश में बोला था गिवर ऑफ लैक्स, ये लाखों का दान देने वाला था, तो इसे हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। पहला ये गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसकी मृत्यु के पश्चात इसने दिल्ली सल्तनत में पहला राजा बना। 1210 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, सिर्फ इसने 4 साल शासन किया, 1206 से 1210, 4 साल कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल शासन किया। इसकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिरकर जब ये चौगान खेल रहे थे। ठीक है, इसके बाद नया राजा बनता है गुलाम वंश में आराम शाह।
आराम शाह नया राजा बनता है, लेकिन वो 8 महीनों तक ही शासन कर पाता है। आराम शाह 8 महीनों तक शासन कर पाता है, और 1211 में इल्तुतमिश, जो ऐबक का ही गुलाम था, ऐबक का गुलाम था, उसकी हत्या कर देता है। 1211 में इल्तुतमिश, जो ऐबक का गुलाम था, उसकी हत्या करके खुद राजा बन जाता है। और जब ऐबक की मृत्यु होती है, क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो उस टाइम वहां पर बदायूं का गवर्नर था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस टाइम इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा बनता है, लेकिन वो 8 महीनों तक ही शासन कर पाता है, क्योंकि इल्तुतमिश उसकी हत्या करके खुद राजा अपने आप को राजा घोषित कर देता है। अब पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश के बारे में, उसने क्या क्या काम किए। तो गाइज आपको दिख रहा होगा, आपको नोट्स ऐसे ही बनाने हैं जिससे कि आप पॉइंट से याद रख सके। पहला इल्तुतमिश पहला फाउंडर माना जाता है, जो प्योर फाउंडर था, पहला पक्का फाउंडर, क्योंकि दिल्ली सल्तनत, उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की, और 1229 में बगदाद के खलीफा ने सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश की दी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसे सुल्तान की उपाधि मिली 1229 में, वो था इल्तुतमिश अल्तमस, इल्तुतमिश या फिर अल्तमस। बगदाद के खलीफा द्वारा इसे 1229 में सुल्तान की उपाधि दी गई। ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन, जो ख्वारिज्म के सम्राट थे जलालुद्दीन, उन्होंने इनसे एक बार की शरण के लिए मांगा था, लेकिन उन्हें शरण नहीं दी थी। इस वजह से चंगेज खान ने इन पर अटैक नहीं किया, और अपने आप को उन्होंने मंगोल के अटैक से बचाया। ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन ने इनसे शरण मांगी, लेकिन ये इतने समझदार थे, आप कुछ भी बोल सकते हैं समझदार, कि क्योंकि चंगेज खान उस टाइम में, जो चंगेज खान था वो अटैक कर रहा था, लेकिन वो और जलालुद्दीन उसका दुश्मन था, उसने उसे शरण नहीं दी। इल्तुतमिश ने एक अच्छा काम किया, जलालुद्दीन को क्या नहीं दी, शरण नहीं दी। इस वजह से चंगेज खान के अटैक से उसने भारत को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। इल्तुतमिश ने एक चालीसा बनाई जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा था, जिसमें 40 मेंबर थे, 40 सरदार होते थे। उन 40 सरदार को मिलाकर एक उसने चालीसा फॉर्म की। उसने इक्तादारी सिस्टम में बांट दिया, पूरा इक्तादारी सिस्टम को लागू किया इल्तुतमिश ने। इक्तादारी सिस्टम, इल्तुतमिश ने, लिख लीजिए, इल्तुतमिश ने इक्तादारी सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें छोटे छोटे लैंड के टुकड़े अलग अलग बांट दिए जाते थे, या सैलरी के रूप में दिया जाते थे। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसे फादर ऑफ टोम बिल्डिंग, फादर ऑफ टोम बिल्डिंग भी बोला जाता है। क्यों? फादर ऑफ टोम बिल्डिंग से क्या मतलब है? मतलब एक गुंबद वगैरह इसने काफी बनवाए। जो सुल्तान गढ़ी है वो भी इसी के द्वारा बनाई गई थी। सुल्तान गढ़ी इल्तुतमिश ने ही बनवाई, सुल्तान गढ़ी। तो गाइस ये थे आई इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में बताइए आपको चीजें समझ आई या नहीं आई, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको उसके तुरंत अपडेट्स मिलते रहे। गाइज आपको नोट्स इसी प्रकार बनाने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखकर, क्योंकि जिससे जब आप उसे रिवाइज करें तो फटाफट उन चीज़ों को रिवाइज कर पाए जब आपका एग्जाम हो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया, इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के, पहला ऐसा रूलर था जिसने सिक्के जारी किए, और उसने चांदी के सिक्कों जारी किए जिसे टंका बोला जाता था, और तांबे के सिक्कों को जीतल बोला जाता था। उन्होंने इसने सिक्के रेगुलर करेंसी, इसके टाइम में रेगुलर करेंसी आई, जिसे चांदी को टंका और एम तांबे को जीतल बोला जाता था। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।